दिस इज बिहाइंड द सीन। ये बंदा कह रहा मेरी तस्वीर बनाओ, वो बंदा कह रहा मेरी वीडियो बनाओ, और यहाँ पे भाई फोटोग्राफर। Hello everyone, I hope you are doing good. I am your host Hafiz Umar once again with you. So I know कि आप काफ़ी ज़्यादा मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि मैंने लास्ट काफ़ी देर से कम मैं टाइमिंग बताना जा रहा तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। मैं बस थोड़ा सा वेट कर रहा था, मेरी रूटीन हैक्टिक थी थोड़ी सी, तो मैं वेट कर रहा था कि स्नोफॉल चीची आज में स्टार्ट हो तो मैं आपको प्यारे 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 से व्यूज़ कैप्चर करके दूँ, ठीक है, और आपको भी देखने में मज़ा आए। तो अभी स्नोफॉल आज फर्स्ट डे था, स्नो हुआ रात आई थिंक होता रहा और अभी भी आज भी होगा और आज मेरा प्रैक्टिकल लैब क्लास भी है। सो लेट्स कम विद मी एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर। वाओ, ये स्टेयर से नीचे उतरते ही हमें अपने डोम के बिल्कुल सामने इतना मज़े का सीन दिखाई दे रहा है ना, यू कैन सी। माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। तो सर्दी तो आपने देख ली है, स्नो भी देख लिया, मैंने दिखाया आपको मेरे डोम के बिल्कुल सामने, दे सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा मतलब के कुछ भी सर्दी बहुत मज़े की है। फर्स्ट स्नो में हमारे पास यहाँ पे सर्दी तो हो ही गई है और सर्दी के साथ साथ चिचहार हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कुछ न्यू लुक दे रहा है क्योंकि काफ़ी समर के बाद अभी दोबारा विंटर स्टार्ट होना तो वो न्यू लुक तो आएगी और फिर स्नो बहुत प्यारी लग रही है चिचहार में। अगर खूबसूरती देखनी है चिचहार की तो इसको इसी इनके सीज़न में देखें हम जब स्नो होती है। हाँ भाई, ये देखो ये बंदा प्यार श्यार होकर जा रहा है फुल, क्यों कि आज स्नो ने अपना काम शुरू कर दिया। हाँ ना भाई, और सर्दी भी शुरू हो गई है। यूसुफा, कैसा लग रहा चिचियार? चिचियार यार अब तो मस्त होने वाला है ना। हाँ। चिचियार की शान अब स्टार्ट हो गई, चिचियार की अभी खूबसूरती स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे भी हमें बहुत बहुत मजा आने वाला है यार, बहुत मजे का सीन होता है यहाँ पे। सर्दी तो होती है बेशक, माइनस में टेम्परेचर होता है, लेकिन जो प्यारा लगता है ना, आई हैव नेचुरल ब्यूटी। बिल्डिंग टीचिंग बिल्डिंग तो आ गए हैं साउथ में, तो अभी हमारी क्लास है 219 में, तो चलते हैं उस क्लास में अपनी में। बाहर बहुत सर्दी थी, जितना ज़्यादा मज़े का व्यू था उतनी ही ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन फिर भी इंजॉय किया। तो अभी चलते हैं क्लास में, क्लास में तो अभी बच्चे कम ही आए हुए हैं, खैर मैं फिर भी जल्दी आ जाऊँ। तो यहाँ पे क्लास आने के बाद मैंने मोबाइल को रख दिया साइड पे एक प्यारा सा व्यू कैप्चर करने के लिए आपके लिए, और देन मैंने अपनी क्लास पे फोकस किया क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी क्लास थी हमारी और प्रैक्टिकल क्लास बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो मैं अपना क्लास ले लूँ, आप तक मज़े मज़े के व्यू चेक करें। तो यह हमें लैब वर्क करते हुए कुछ इस तरह फील हुआ कि जैसे हम MBBS नहीं कर रहे, हम मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि हम BS केमिस्ट्री कर रहे हैं और केमिस्ट बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लैब ही कुछ इस तरह की थी कि सिर्फ इसमें केमिकल मिक्स किए जा रहे थे, निकाले जा रहे थे, किए जा रहे थे, तो इस तरह का कुछ थीम था। तो हम काफ़ी बोर हुए तो फिर दोस्तों के साथ गपशप भी हुई क्लास में वर्क करते हुए, लेकिन फिर भी क्लास अच्छी गुजर गई और एट देन मैंने अपनी ट्यूब सेंट्रीफ्यूग में रख दी और देन जब निकाली तो देखा
कि जिस क्रोमोसोम को हम फाइंड करने पर लगे हुए थे वो मिल तो गया था, लेकिन सर फिर भी नहीं मान रहे थे। सर कह रहे थे अगेन आप इसको मिक्स करें, ठीक है, केमिकल्स में, और फिर इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से शेक करें और देन फिर सेंट्रीफ्यूगेटर में रखें और देन अगेन निकालें, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सीन चलता रहा दो तीन मरतबा। एट द एंड जब हम सब ने कर लिया और देन सर को दिखाया और जान छूटी। तो अभी मैंने अपना प्रैक्टिकल कर लिया, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ दोस्त हैं उन पर रहता है, तो इसको अब हमने 30 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो अब 30 मिनट फ्री हैं, तो बस गपशप मार के टाइम स्पेंड करते हैं। ये देखो, हाँ भाई आखिर सर्दी है आज, ओ भाई नॉर्मल। तो ये बात भी बतानी आपको ज़रूरी थी कि जीजीआर में, क्योंकि लास्ट सितंबर 2023 में एडमिशन क्लोज थे, उन्होंने स्टूडेंट नहीं लिए क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो चुके थे। अभी 2024 मार्च इनटेक के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं जीजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और सीरियस एंड यू वांट टू टेक एडमिशन इन जीजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी, सो यू कैन सेंड मी योर डॉक्यूमेंट्स फाइल व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप चाइना की किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी भी, तो आप फिर भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह बाकी एजेंट की नस्बत बहुत ही इस पे मुताबिक आपको पूरा पैकेज मिलेगा। तो जी ये हमारा एक दोस्त खड़ा हुआ है, वकार। वकार बताओ क्लास कैसी रही आज की? स्नो में आने को मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। इंजॉय किया? नहीं नहीं, सो के इंजॉय किया। अच्छा हाशिर, तू तो बहुत ही कर रहा है इंजॉय, है ना? इसकी शक्ल से पता चल रहा है ये एंजॉय नहीं कर रहा। एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ क्लीनिंग, यू यूज ड्यू वाटर क्लीनिंग दिस सिम्स। सो क्लास जो कि एंड हो चुकी है हमारी, तो अब चलते हैं हम लैब की तरफ वापस। लैब क्लास थी हमारी, और तो अभी हम क्लास लेके फ्री हो गए हैं, तो फिर भी अगेन स्नो स्टार्ट हुई है हल्की हल्की सी। और ये हमारा दोस्त कह रहा है कोई सर्दी नहीं है, इसको सर्दी लग नहीं रही, कहता हुई हुई ना करो कोई सर्दी नहीं लग रही। तो अभी हम जाते हुए बस थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे क्योंकि फर्स्ट स्नो है और बहुत मज़े की है, ठीक है। तो सर्दी तो लग रही है लेकिन इन्जॉय बहुत मज़े का हो रहा है, तो बस पिक्चर ले रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, तो फिर जाते हैं रूम वापस। दिस इज बिहाइंड द सीन, ये बंदा कह रहा है मेरी तस्वीर बनाओ, वो बंदा कह रहा है मेरी वीडियो बनाओ, और यहाँ पे भाई फोटोग्राफर। तो अभी हम क्लास वगैरह से फ्री हो गए हैं, तो ब्रेकफास्ट करना था तो हम इधर आए हैं कैंटीन पे बुफे, तो यहाँ से करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह फिर चलेंगे रूम में। स्नो से तो फ्री हो गए हैं हम। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, जितने भी हम दोस्त जा रहे थे डोम वापस, तो हमने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट करके ही डोम जाएं वापस, तो बहुत ही मज़े का सीन आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाएं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं अपने डोम की तरफ, खाना वगैरह खा लिया है, यहाँ पे करते हैं हम लोग को एंड, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है अब खाना खाने के बाद, ख़ास तौर पर पानी वगैरह ठंडा पिया था साथ, तो ऊपर से स्नो भी ताज़ी हो रही है ना, ऐसी बात है, स्नो भी ताज़ी हो रही है और अब इरीटेट कर रही है हमें, व्यू तो अच्छे दे रही है लेकिन इरीटेट कर रही है। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, बाय बाय।